हाय गाइस, दिस इज तुषार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ न्यू फोर्ड EcoSport फुल्ली मॉडिफाइड। अभी आप टाइम देख पा रहे होंगे, 3:11 PM अभी टाइम हो रहा है। एंड अभी मैं अपनी पुरानी जहाँ पर हर बारी लोकेशन पे शूट करता हूँ वहां पर जा रहा हूँ, क्योंकि जो कार ओनर है वो वहीं पर सीधा डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। एंड वहां पर जाके मैं आपको पूरी कार दिखाऊंगा कि क्या क्या उसमें हुआ हुआ है। मेरे को भी पता है उसमें लगा हुआ क्रैश गार्ड, फ्रंट पूरी ग्रिल चेंज है, आफ्टर मार्केट एलॉय, सब बहुत सारी चीजें हैं। तो मेक श्योर आप पूरी वीडियो एंड तक देखें। वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है वो ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइस, हियर वी हैव दिस बीस्ट फोर्ड EcoSport। ये जो कार है ये है ट्रेंड मॉडल फोर्ड EcoSport, ट्रेंड डीजल वेरिएंट है ये। बिल्कुल स्टॉक कार आया था, जैसे कंपनी से आता उसके बाद इसमें सारी मॉडिफिकेशंस करी गई हैं। फ्रंट से बताऊं तो हमारे को जो स्टॉक ग्रिल आती है वो चेंज करी गई है। ये फोर्ड की ग्रिल आफ्टर मार्केट आती है, चाइनीज जो ग्रिल है वो वाली इसमें इंस्टॉल करी गई है। उसके बाद इस पर कस्टमाइजेशन करी गई, ये आप देख पा रहे हो गए, डीक्रोम करने की कोशिश करी गई है, जो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अगर मैं दूर से आपको दिखाऊं तो पूरी कार के साथ लुक अच्छा आ रहा है इसका। ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स एंड जो भी ब्लैक है इसमें ग्राफिक्स दिए गए हैं उसके साथ ग्रिल बहुत मैच कर रही है। एंड यहाँ पर आप देखोगे फोर्ड रैप्टर, ये इंस्पायर्ड है फोर्ड रैप्टर से, F-150 से। एंड बिल्कुल ही डिफरेंट लुक दे दी है। आई थिंक ये दिल्ली में तो नंबर वन है जो इतनी लोडेड हो रखी है एक्सेसरीज के साथ। फोर्ड EcoSport एक ऐसी कार है जो बहुत कम मॉडिफाइड आप लोगों ने देखी होगी। यहां से बात करूं तो ये है गाइस टो हुक, ये सिर्फ शोइंग पर्पसेस के लिए, इससे टो नहीं हो सकता। अगर आप टो करने की कोशिश करोगे तो कुछ इंसिडेंट हो सकता है, इसलिए आई विल रिकमेंड यू कि अगर आपको ये लगाना है तो सिर्फ शो के लिए लगवाएं। नीचे से ये आपको जो लुक देख पा रहे हो इसे डिफ्यूजर भी कहते हैं, क्रैश गार्ड भी कहते हैं। तो जो भी फोर्ड EcoSport ओनर्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत लोग बुल गार्ड्स लगा लेते हैं जो कि अब बैन हो गए हैं, तो उससे बेटर अगर आपको कुछ कार की प्रोटेक्शन करनी है, लाइक जैसे आप कभी पार्क करते हो गाड़ी तो हो सकता है आगे पीछे लग जाए, तो उससे बेटर ये है कि आप ये क्रैश गार्ड लगा लो कि आपकी बॉडी पे कोई नुकसान ना हो। एंड जो जो मैं अभी आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ उसका प्राइस ब्रेकडाउन करके मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। गाइस, ये जो आप अभी देख रहे हो इसे कहते हैं जंबो LED बार, 24 इंच की ये बार है। एंड बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये इसी कार के लिए बनी हुई है। आप देख पा रहे होगे, जस्ट लुक एट द फिटिंग, कितना अच्छा फिटिंग हुआ। स्टॉक कार है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो आप ये डिजाइन देख रहे हो ये एवरी डेनिसन की रैप में ये पूरा बना हुआ है। को कार के ओनर से एक बार इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, उनसे पूछते हैं कि वो ये सारे काम के लिए कहाँ से इंस्पायर्ड हुए। हाय भैया। हाय, ये देखिए प्रॉपरली हैंड कट है और ये मैंने खुद से कट किया था बैठ के। और ये डिजाइन था पहले ना कहीं किसी सिस्टम पे बैठ के प्रॉपर मॉर्फिंग हुई थी। उसके बाद करने के बाद दो तीन मतलब उस मॉडल के ऊपर डाल के देखा गया कैसे है कैसे नहीं है, कैसा लग सकता है। फिर इससे पहले मैंने एक और डिजाइन देखा था जो कि बीच में था। हाँ जी, था एंड तो, वो शायद थंडर वेरिएंट में भी आता है कुछ इसी टाइप का। एग्जैक्टली वो था। और ये है प्रॉपरली हैंड कट और इसको लगाने के लिए बहुत मेहनत लगी है और 4-5 अटेम्प्ट लगे हैं उसके बाद जाके ये लगा है, क्योंकि कभी वो टेढ़ा हो रहा है कभी यहाँ से साइड जा रहा है और उस टाइम पे एक्चुअल में बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस सिचुएशन हो चुका था। बट टच वुड ये हो गया है। एंड जो टेपिंग है, जो रैप है, जो मटेरियल है, बहुत मतलब क्लासी है और बहुत ही बढ़िया है जो। और ये बैठ चुका आप सब देख सकते हैं सामने इसके। एंड भैया आई मस्ट से बहुत अच्छा डिजाइन आपने चूज करा है। थैंक यू सो मच। आते हैं गाइस कार की साइड प्रोफाइल पे, जस्ट लुक एट द एलॉय व्हील्स।
ये जो आप अलॉय देख रहे हो, जो डिजाइन है, ये M6 BMW M6 से इंस्पायर्ड है, जो उसमें अलॉय व्हील्स आते हैं। एंड जो टायर साइज है, जो ट्रेंड वेरिएंट में स्टॉक आता है, वो है 195, 65 एंड R15। तो उन्हीं टायर का यूज करा गया है, उसी में ही अलॉयस इंस्टॉल करवाए गए हैं। एंड अभी इसके बारे में भैया से भी पूछेंगे कि वो क्या रिकमेंड करते हैं। मैं अगर बताऊं कि मैं क्या रिकमेंड करता हूं, अगर आप इको स्पोर्ट में अलॉय लगवाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप स्टॉक में लगवा सकते हो, फिर एक इंच अपग्रेड कर सकते हो, बट मेक श्योर आपकी हैंडलिंग में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लुक्स आपके डेफिनेटली आ जाएंगे, हैंडलिंग में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड एक बार ये आपको टायर साइज भी दिखाना चाहूंगा, अगर आप ये देख पा रहे हो 195, 65 एंड R15। जो ब्रांड इसमें है स्टॉक से जो आता है वो है गुडियर का, यहां से आपको इसकी ब्रांडिंग दिख गई होगी। कार के ओनर है, उनसे मिलवाता हूं एंड उनसे जानते हैं कि एलॉय लगवाने के बाद हैंडलिंग कैसी है, क्योंकि वो भी एक कार एंथुजियास्ट है एंड वो कार ओनर है, तो वो ढंग से हमें इसके बारे में बता सकते हैं। देखिए, ये स्टॉक टायर के अंदर मैंने ये अलॉय फिट किया था और हाँ, आफ्टर मार्केट है तो थोड़ा हेवी हो जाता है, मैं फील करता हूँ कि ये हेवी है। एंड भैया एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इको स्पोर्ट में 5 अलॉय व्हील्स लगते हैं, तो ये आपको पांचवा कहां से मिला, क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते हैं वो 4 लगा लेते हैं एंड कभी कभी एलॉय शॉप पे अवेलेबल नहीं होता सेम डिजाइन। एग्जैक्टली, मैंने उस टाइम पे यही मैंने गड़बड़ की थी, गलती की थी, मैंने 4 लगा लिए थे। पीछे आप आइए, अभी शो यू, पीछे जो मैंने स्टेपनी था उसका स्टेपनी कवर था, मेरे 5 एलॉयज नहीं थे, 4 एलॉयज थे उस टाइम पे, तो कवर था मेरा। तो फिर हुआ ये कि गाड़ी मेरी पीछे से लग गई और पीछे थोड़ा सा मेरा अंदर चला गया था, जरा सा आप देख पाएंगे यहाँ पे, तो गाइस ये आप देख पा रहे होंगे। हाँ, तो बहुत ज्यादा मतलब इट वाज लाइक अ हार्ट रेंचिंग एंड सीरियसली मैं दिमाग मेरा खराब हो गया, उसको निकाला मैंने कवर को बाहर, फिर मैंने कॉन्टेक्ट किया करोलबाग जहाँ से मैंने लिया था, टायर जोन है वहां से, करने के बाद उन्होंने मेरे लिए स्पेसिफिकली वो मंगवाया एक पीस सिंगल, ये रहा आपके सामने। और एक और चीज बताऊंगा, 5 अलॉयज जो है इजिली मिलता नहीं है, ठीक है, और क्योंकि इनका एक पेयर बेकार चला जाता है, बाई चांस पास रखा हुआ था और आपके सामने। एंड गाइस अब मैं आपको जो इसके साइड मिरर्स है वो शो करना चाहूंगा, ये जो आप अभी ऊपर देख रहे हो ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर है, जो कि एक कार की लुक भी इनहेंस कर देते हैं, साथ साथ जो हमारी विजिबिलिटी है वो भी इंक्रीज कर देते हैं। आपको बोथ साइड शो करता हूं, ये आप अभी देख पा रहे होंगे, ये भी पेंटेड हुए हैं बोथ साइड मिरर्स। एंड ये जो आप देख रहे हो जो पिलर्स हैं ये रैप हुए हुए हैं ब्लैक कलर में, साथ ही में जो मॉडल है ये वाला इसमें रूफ रेल्स नहीं आती, तो आफ्टर मार्केट ही रूफ रेल्स परचेज करी एंड उसके बाद इसको पेंट करवाया गया, क्योंकि ऐसी चीज भी अगर रैप लगा दे तो वो ज्यादा टाइम चलता नहीं है। आपको कार में जो स्टिकर्स बेस काम हो रखा है वो कुछ दिखाना चाहूंगा, ये आप देख पा रहे होंगे, जो कि कार की लुक एक इनहेंस कर देते हैं, मैं आपको पीछे से दिखाना चाहूंगा। एंड सबसे जो मेरे को अच्छी चीज लगी एंड जो बहुत ही यूनिक चीज लगी जो भैया ने करवा रखी है इसमें, ये आप कंपास देख रहे होंगे, उसके अंदर ये इको स्पोर्ट बनवाई हुई है एंड ये भैया का खुद से डिजाइन करी हुई चीज है, ये आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, हो सकता है मिल भी जाए बट ये चीज नहीं मिलेगी जो इसमें हो रखी है, कंपास जरूर मिल जाएगा बट ये सेम चीज नहीं मिलेगी। एंड इसके बारे में भैया से भी अभी जानते हैं कि उनको इसका आइडिया वो कैसे मिला। ये देखिए, एक्चुअली गूगल में इस तरीके के चीजें हैं बट वो एग्जैक्ट कंपास नहीं है, वो मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, वो ये खुद से है, फॉन्ट वगैरह जितने भी देख पाएंगे सारा कुछ है, अलग फॉन्ट है, रोबोटो फॉन्ट यूज किया गया है, ये सारा खुद से है। आप देख पाएंगे इसके अंदर ये जो इको स्पोर्ट देख रहे हैं इसके बीचों बीच ये इसी गाड़ी का मैंने साइड प्रोफाइल पिक लेके उसको सेल आउट में डिजाइन करके इसके अंदर डाला है। एंड गाइस ये जो आप अभी लुक देख पा रहे होगे जो ब्लैक कलर की दी हुई है इसमें भी ये रैप हुआ हुआ है एंड ये जो व्हील आर्क आते हैं जिसे फेंडर फ्लेयर्स भी कहते हैं जो थोड़े से बाहर होते हैं उस टाइप की लुक देने की कोशिश करी गई है। एंड ये भी ब्लैक, जैसे कि मैंने बताया पूरी कार पे ब्लैक का लुक दिया गया जो कि बहुत अमेजिंग लग रहा है। एंड अब पीछे से बात करते हैं पीछे क्या क्या हुआ हुआ है। बैक में ये जो आप अभी देख पा रहे हो ये स्पेशली फोर्ड एको स्पोर्ट के लिए आती है, इसे पिलर लाइट्स कहते हैं। एंड पीछे से अगर आपको इसकी लुक दिखाऊं तो कुछ ऐसी है, साथ में पिलर लाइट्स स्मोक करवाई गई है क्योंकि ये जो जब ब्रेक मारते हैं तो बहुत ज्यादा रेड है इसलिए स्मोक करवा दी भैया ने। एंड ये जो आप टेल लैंप्स देख रहे हो तो स्टॉक ही है बट इसमें भी स्मोक वर्क हुआ हुआ है कि सारी चीजें मैच करें। एंड नीचे से ये है रिफ्लेक्टर्स, रिफ्लेक्टर्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा एंड एक अच्छी चीज आपको बताने चाहूंगा जो अगर आपके साथ बाय चांस हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो। गाइस ये जो आप रिफ्लेक्टर देख रहे हो, रिफ्लेक्टर आता है इस फॉर्म में, यहां से लेके वो ऐसा डिजाइन में आता है बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये चाइनीज होते हैं तो यहां से वो एक खराब हो गया था तो भैया ने एक ये चीज करी वो यहां से खराब हो गया था तो इसको कवर करवा दिया इस टेप में।
तो आप इससे आइडिया ले सकते हो। थोड़ी मॉडिफिकेशंस के लिए गाइस हमारे को माइंड की भी यूज होती है, जो कि भैया ने देखो कर रखा है, कितना अमेजिंग लग रहा है ये भी। एंड मैं भैया से रिक्वेस्ट करूंगा वो एक बारी ब्रेक प्रेस करके दिखाएं कि इसका आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर्स का क्या लुक आता है पूरा। सो गाइस ये आप देख पा रहे होगे ब्रेक पे और शार्प हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है, हर कोई इको स्पोर्ट ओनर ये करवा सकता है। एंड बैक से और चीजों के बारे में बात करें, थैंक यू भैया आ जाओ। ये आप स्टिकर देख पा रहे होगे रैप्टर का, जैसा कि मैंने आपको फ्रंट में बताया था कि कार फोर्ड रैप्टर F-150 से इंस्पायर्ड है, तो उसी का यहाँ पर स्टिकर लगाया है। यहाँ पर इको स्पोर्ट ओनर्स इंडिया का स्टिकर लगा हुआ है, अगर हम ये स्कैन करते हैं तो हम उनके ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ये भैया ने इसलिए लगा रखा है क्योंकि भैया ग्रुप के मेंबर है। अब साइड से एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो आप अभी देख पा रहे हो ये आता है हमारे सिग्नेचर वेरिएंट में जो लाइन है, एंड ये भी स्पेशली अलग से भैया ने करवाई है, जो कि बहुत अमेजिंग लग रहा है। एंड यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होगे जो लिखा हुआ है www.faadukar.com। सो गाइस जो जो काम हुआ हुआ है गाड़ी में ऑलमोस्ट सब कुछ फाडू कार से हुआ है। एंड मैं ये करूंगा, ये जो काम हुआ है उनकी इंस्टाग्राम आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि आपको कोई काम करवाना हो इस कार का या फिर कोई भी, यू जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट देम ऑन व्हाट्सएप एंड वो आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। गाइस आपको एक्सटीरियर से एक बारी नाइट में कुछ चीजें दिखानी थी लाइक LEDs और जो जो बाहर से इसमें लाइटनिंग वर्क हो रखा है, एक बारी अब आपको वेलकम लाइट्स का लुक चेक कराऊंगा। सो गाइस हमने कार अनलॉक करी है एंड आप देख पा रहे होगे इसकी लुक, पीछे से आपको एक बारी शो करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। एंड एक बारी वैसे तो मैं आपको पिलर लाइट्स एंड रिफ्लेक्टर चेक करवा चुका हूँ, बट एक बारी आप नाइट लुक भी चेक कर लो। एंड ये भी भैया आई बिलीव आफ्टर मार्केट ही आपने बल्ब लगाए हैं जो नंबर प्लेट के नीचे शो कर रहे हैं। एंड अब फ्रंट से आपको एक बारी LEDs की लुक चेक कराता हूँ भी, एक बारी पार्किंग ऑन करना। सो गाइस अब पार्किंग ऑन हो गई है बोथ साइड की एंड LEDs, ये गाइस दोनों LED ऑन हो गई है एंड एक इसमें लगती है लो बीम और एक हाई बीम, दोनों इसके रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स है ये एंड दोनों के अलग स्लॉट होता है। एंड अभी भैया से इसके बारे में पूछते हैं कि कौन सा ब्रांड यूज हुआ है इसमें LEDs का। ये है एक्चुअली जो हाई बीम है उसमें यूज किया है मैंने RD और जो लो बीम है उसमें यूज किया है मैक्सलिंग का। भैया सिटी में आप रिकमेंड करते हो ये लाइट्स? सिटी के लिए ही है ये, और हाईवे के लिए मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, बिकॉज वहाँ पे जो शो है वो बहुत चाहिए होता है इसका। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि हाईवे के लिए आप LEDs लगाएं, सिटी की ड्राइविंग के लिए परफेक्टली फाइन, थम्स अप। एंड मैं भी यही कहूंगा गाइस सिटी की ड्राइविंग के लिए परफेक्ट है, हाईवे में अगर आपको LEDs लगवानी है तो प्रोजेक्टर सेटअप के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। एंड अब एक बारी जो लास्ट थिंग रह गई है फ्रंट से वो है LED बार, सो गाइस ऑन हो गई है। एंड ये भी मैं आपको ये नहीं कि आप हर वक्त चलाते रहो, ये भी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये आंखों में लगती है, बहुत लगती है। एंड जो सामने से आपकी गाड़ी कोई गाड़ी आ रही है कुछ भी आ रहा है बहुत इट विल लाइक मेक यू ब्लाइंड, सो बिल्कुल रिकमेंड नहीं है ये। सो गाइस सबसे पहले तो आपको मैं टाइम दिखाना चाहूंगा जो भी हो रहा है, 7:29 PM हो रहा है एंड जस्ट अभी 10 मिनट्स पहले ही घर पर आया हूँ। तो वीडियो जो है वो दो पार्ट्स में ही बनेगी मेरे ख्याल, क्योंकि मैं जब से गया था ऑलमोस्ट 4:00 से मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया था एंड मैं फ्री हुआ हूँ 6:30 के अराउंड, तो वीडियो का मैंने एक्सटीरियर एंड इंटीरियर दोनों कवर करा है। पॉसिबिलिटी ये वाला जो आप अभी वीडियो देख रहे हो ये वाला होगा फर्स्ट एक्सटीरियर का एंड नेक्स्ट वीक आएगा इंटीरियर का। तो मेक श्योर गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, होप करता हूं इस वीडियो से जो भी फोर्ड इकोस्पोर्ट ओनर्स है उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एंड गाइस बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई प्राइस बताया करो, तो प्राइस के लिए मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें एंड मैंने सब कुछ कवर करा है कि कहां से काम हुआ है सारी चीजें। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी मैं इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड करूंगा, तो भी आपको इंस्टाग्राम का हैंडल भी शो हो रहा होगा, वहां पर जाके भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जब भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला होता हूं उससे पहले ही इंस्टाग्राम पर अपडेट कर देता हूं। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।